स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस के संबंध में थ्री लॉज प्रपोज किया है। ये लॉज हैं, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला लॉ जो है उसके अनुसार मेंडल ने कहा, या ये इस लॉ का कहना है कि जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन के प्रभाव को एक्सप्रेस होने नहीं देते हैं, ये उसके प्रभाव को दबा देते हैं। तो दिस लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस लॉ स्टेट्स दैट डोमिनेंट जीन suppresses the expression of other gene। और इसी के कारण क्या हुआ, आप देखे थे कि जब F1 जनरेशन में एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराए ड्वार्फ प्लांट को, क्या हुआ, ये कैप्टन टी डिनोट करते हैं डोमिनेंट जीन को और रेसिसिव जीन को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो ये क्रॉस अगर कराए इसमें तो इसको ऐसे भी देखिए, यहाँ पर ये गैमेट बन जाएगा, ये गैमेट बन जाएगा, और इसको जब क्रॉस किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आया, ये यहाँ पर फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी के सभी क्या होंगे, टॉल होंगे। क्यों, कि उसके साथ में एक डोमिनेंट जीन कैपिटल टी है और स्मॉल है, यानी प्रभावी व्यक्ति कहीं रहता है, कमजोर व्यक्ति का की मर्जी नहीं चलती है, वही यहाँ पर कैपिटल टी जो है ये टॉल के लिए वो डोमिनेंट है। किसके ऊपर, ड्वार्फ ने बौना जो है छोटा जो है उसके जीन के ऊपर, वो एलील के ऊपर। तो ये सारे फर्स्ट जनरेशन में पहली पीढ़ी में सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे, क्यों, कि ये टॉल का जीन जो है वो डोमिनेंट है। तो यही ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि दिस लॉ स्टेट्स दैट डोमिनेंट जीन सप्रेसेस द और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका कहना, इस लॉ का, अगर दो एलील को एक साथ लाते हैं तो वो आपस में फ्यूज नहीं करता बल्कि सिंपली साथ में रहता है, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस समय वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर दे डू नॉट फ्यूज टूगेदर बट रिमेन सिंपली एंड दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। म्यूसिस के द्वारा जो है वो क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय में, इसे यहाँ देखिए, यहाँ पर डबल डिप्लॉयड ये है और ये गैमेट जब बना, ये दोनों टी अलग अलग हो गया, दो इससे बन गए गैमेट और दो इससे बन गए गैमेट, और फिर इंडिपेंडेंटली वो दूसरे से फ्यूज करके बनाते हैं क्लोजिनी। तो ये यहाँ पर देखिए, ये क्या करते हैं, फिर जो क्लोजिनी है हैबिट बना लिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलकर, लेकिन कैरेक्टर इसमें दोनों का है, लेकिन ये क्या करते हैं, साथ में तो है और लेकिन गुण इसका, लेकिन जब ये इससे फिर गैमेट बनेगा तो ये दोनों बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाएगा, ये अलग और ये अलग, और इंडिपेंडेंटली दूसरे से ये फिर फ्यूज करेगा। तो इसी को इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि पहला में तो क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एग्जाम्पल में कि इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल प्लांट्स अपीयर टॉल, और इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ कि इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3 प्लांट्स अपीयर टॉल एंड 1 प्लांट अपीयर्स ड्वार्फ। जब उसको F2 जनरेशन में कराए थे, इसको देखिए आप पन्ने टी स्क्वायर के द्वारा,
इस तरह से ये मेल और ये फीमेल, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे क्योंकि ये जो है इससे दो गैमेट बनेगा, एक टॉल और ये टॉल, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे जो मिल रखे बनाएगा कैपिटल टी ये टॉल हुआ और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल क्योंकि ये डोमिनेंट है, और ये दोनों मिल करके कैपिटल टी स्मॉल, दोनों को जोड़ देना है, ये टॉल हुआ और ये दोनों मिल करके स्मॉल टी हो गया यहाँ, ये ड्वार्फ। जब दोनों सेम एक तरह के जीन आते हैं तो फिर उसकी मर्जी, दो एक मानसिकता का मिश्र साथ में आ जाते हैं तो फिर दोनों मिलकर करते हैं, और प्रभावी है तो प्रभावी चलता है। तो यहाँ पर क्या बताए थे, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो अपीयर होते हैं। तो तीन टॉल है, तो ये टॉल कितने हैं, तीन, और ड्वार्फ कितने हैं, एक। ये रेशियो हो जाएगा 3:1। तो ये सेग्रीगेशन के ही कारण जो है कि ये एलील सेग्रीगेट हो गया है, तो ये एक हो, थ्री टॉल हो गया और एक जो है वन ये ड्वार्फ हुआ। तो ये आपका सेग्रीगेशन का एग्जांपल है। और तीसरा लॉ जो है वो कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्ट में, कि एक हाइब्रिड के जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं, और इसी के कारण डायहाइब्रिड क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस के एक्टोजेनेशन में 4 टाइप्स के प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जबकि 2 कैरेक्टर लेते हैं। तो हुआ दिस लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए हाइब्रिड आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। और एज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, इन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। कौन कौन होते हैं उसमें, जैसे कि राउंड येलो, दूसरा राउंड ग्रीन, तीसरा रिंकल येलो, और चौथा रिंकल ग्रीन। ये 4 तरह के होते हैं प्रोड्यूस, और इसका फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप ये 9:3:3:1 ये इसका होता है। ये इन जो जीन डिफरेंट जो जीन है एलील है या डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसके इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता पूर्वक इनहेरिट होने के कारण ही ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं बैक क्रॉस क्या है। जब हाइब्रिड को या तो डोमिनेंट पेरेंट जो है या रिसेसिव, दोनों किसी से भी क्या करते हैं, हम क्रॉस कराएंगे तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस। When hybrid is crossed with either recessive or dominant parent, then it is known as back cross. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया हाइब्रिड हुआ ये, तो इसको हम क्रॉस कराएंगे या इससे, या इसको क्रॉस कराएंगे हम ये recessive parent से, ये दोनों ही क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा, बैक क्रॉस। और इसमें जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसको एक पन्ने की स्क्वायर बना करके यहां पर देखिए ये क्या लिए हैं, ये आप मेल ले लीजिए, इसको फीमेल ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक हाइब्रिड है, ये डोमिनेंट दोनों से ले लीजिए, तो कैपिटल टी आ गया, यहाँ पे ये भी कैपिटल टी आ गया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हुआ, ये जो है ये भी टॉल,
ये भी टॉप और ये भी टॉप, चूंकि इसी साथ डोमिनेंट जीन है और इसके साथ ये भी टॉल ही हुआ। यानी अगर इसको एक हाइब्रिड को डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो सारे के सारे जो हाइब्रिड हैं वो क्या होंगे, टॉल होंगे। अगर दूसरे केस में हम कंसिडर करते हैं इसके जगह पे ये रेसिसिव से अगर करा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल तो होगा, ये भी टॉल होगा। और यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, दोनों स्मॉल टी आ गया, ये ड्वार्फ आ जाएगा, ड्वार्फ और ये भी स्मॉल टी, दोनों आ गए तो टॉल। ये क्या हुआ, 50% अगर इसको रेसिसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं ये बैक क्रॉस में तो ये क्या करते हैं, दोनों 50% हो जाता है, 50% हुआ ड्वार्फ, तो ये आपका हो गया बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या है, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच हाइब्रिड इज क्रॉस्ड ओनली विथ रेसिसिव, इसमें सिर्फ जो है रेसिसिव पेरेंट से, जिसे ये सिर्फ इससे क्रॉस कराते हैं, तो इसमें दोनों आ गया, इसमें सिर्फ रेसिसिव, इसमें डोमिनेंट से नहीं कराते हैं। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच हाइब्रिड इज ओनली क्रॉस विथ रेसिसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। लाइक देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट क्रॉस में ये हो गया हाइब्रिड और इसको क्रॉस करा दिए ये रेसिसिव पेरेंट्स, यहाँ पर ये सेम इसका फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस, ये दोनों खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसमें एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो दो में से कोई भी पूर्णतः एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होते हैं और उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं प्रोजेनी होते हैं वो एक तीसरे तरह का हो जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें कहेंगे अ फेनोमेनन इन विच Neither of the two alleles of a gene is completely dominant over other is known as incomplete dominance। तो इसमें देखते हैं कि रेड फ्लावर प्लांट जो है उसको क्रॉस कराते हैं व्हाइट फ्लावर प्लांट से, तो रेड के लिए दो होमोजाइगस जो जीन लेते हैं एलील लेते हैं वो आर आर में, क्योंकि ये पेयर में होते हैं और ये उसका कम जो कंट्रास्टिंग करेक्टर है वो ये वाइट है, वाइट के लिए स्मॉल आर आर से इसको डिनोट किए हैं। अब ये फर्स्ट जनरेशन है, इसमें गैमेट क्या बनेगा, इसके दोनों पेयर जो हैं एलील के जीन के वो अलग अलग, तो ये डबल है ये आर आर हो गया, या इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आधा हो जाता है म्यूजिक डिवीजन में, तो आर हो गया इसमें स्मॉल हो गया, दोनों क्रॉस कराए तो यहाँ आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हाइब्रिड हुआ। और ये नियम के मेंडेलियन लॉ के अनुसार होना चाहिए क्या, चूंकि ये डोमिनेंट की बात कहे थे डोमिनेंट यहाँ है नहीं तो ये पिंक हो जाएगा, चूंकि इसमें कोई भी दो जीन एक दूसरे पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि कोई दोस्त गए दुकान में नाश्ता करने, किसी ने कहा कि हम समोसा खाएंगे, किसी ने कहा कि हम मिठाई खाएंगे, तो दोनों अपने जिद पे अड़े हुए थे तो कहा भाई चलो ना मिठाई खा लें समोसा, चलो चाट खा लेते हैं या कुछ फल खा लेते हैं, तो दोनों किसी की बात दोनों की बात ये क्या करते हैं किसी की नहीं, एक तीसरी चीज़ हो गई। तो इसमें देखिए यहाँ पिंक हो गया। अब दूसरे पीढ़ी में जब इससे बनाएंगे गैमेट दोनों ये अलग अलग या अलग ये अलग दोनों को जिस भी जिसमें में साथ दोनों अलग अलग हो गया अपना शुरू कर दिया करो, तो यहाँ पर गैमेट क्या बनेगा, ये आर ये या ये आर ये मिल क्रॉस करा ये आर आर क्या ये हो गया दोनों, जब चूंकि इसमें दोनों आ गया एक ही होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कैपिटल आर कैपिटल आर, ये रेड हो जाएगा, और जहाँ पर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आया वो हो जाएगा पिंक।
तो यहां भी इससे क्रॉस कराए, ये भी पिंक हो गया, फिर इसको इससे क्रॉस कराए, प्रत्येक को इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इससे कराए, और यहाँ दोनों स्मॉल आला हो गया, ये हो गया व्हाइट। तो यहाँ पर देखते हैं इसका फिनोटाइप, एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या है। तो रेड कितने हैं, एक, क्योंकि दोनों ये दोनों कैपिटल आर आ गया तो रेड आ गया, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक होगा, ये दो है, और व्हाइट स्मॉल आर दोनों है, जो जब आएगा सेम तरह का एलील तब होगा वही सर, ये क्योंकि व्हाइट के लिए दोनों दोनों आर, ये आ गया व्हाइट। इसका रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। अब देखते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, कैपिटल दोनों आर जिस जैसा हो, जिसमें दोनों कैपिटल आर हो वैसा कैसा है, एक है यहाँ पर, और जिसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है वैसा क्या कौन सा है, दो है, एक यहाँ एक यहाँ, और ये दोनों वैसा जिसमें कि दोनों स्मॉल आर हो वो एक है। तो ये जीनोटाइप हो गया 1:2:1। तो ये मेडिकल में पूछा जाता है कि इन विच टाइप, मतलब ऑफ फेनोमेनन इन विच फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या कहते हैं इज इक्वल, तो देन दिस फेनोमेनन इज नोन, इसको कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस तरह के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे 4 o'clock फ्लावर में, या इसको कहते हैं मिराबिलिस, मिराबिलिस बिलिस जलापा, जलापा, या स्नैप ड्रैगन में भी ऐसा होता है, स्नैप ड्रैगन, या एंटीरिनम भी कहते हैं, डॉग फ्लावर भी कहते हैं, इसमें इस तरह के फेनोमेनन देखने को मिलता है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, अगले क्लास में हम को डोमिनेंस पे चर्चा करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।